तो दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में, लेकिन जब आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का क्या इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के लिए। तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि आपको जब एक साथ 8 से 10 ट्यूबों में ब्लड कलेक्शन करना होता है, तो आपको उस टाइम ये ध्यान रखना होगा कि कौन से ट्यूब में पहले ब्लड कलेक्शन करना है और किसके बाद कौन सा ट्यूब में हमें ब्लड कलेक्शन करना है और क्यों करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम करते हैं कि अक्सर क्या होता है कि जब हमें क्योंकि हर एक ट्यूब में एंटीकोगुलेंट होता है, और जो हम जब जब हम निडल के साथ उसको हम अटैच करते हैं, तो जो क्या होता है कि वो कैप के साथ वो निडल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट हो जाता है, तो इसका एंटीकोगुलेंट दूसरे में चला जाएगा, दूसरे का तीसरे में चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट वेरी कर जाता है। इसलिए हमें जो है वो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना होता है ब्लड कलेक्शन करते टाइम। तो ये है कि जब आपके पास सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, यदि कल्चर टेस्ट है तो सबसे पहले हम कल्चर ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम सिट्रेट जो होता है, जिसको हम PTINR टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो वो हम टेस्ट के लिए ट्यूब सबसे सेकंड में वो टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपको रेड कलर का ट्यूब, जिसको प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं, तो उसमें हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो है SST जो गोल्ड कलर का ट्यूब होता है, उसमें हम ब्लड कलेक्शन करेंगे, जिसको हम LFT, KFT या TFT या जितने भी बायोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है अगर हिपेरिन ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करते हैं, और जो है सेकंड लास्ट में जो है वो EDTA वाले में ब्लड कलेक्शन करते हैं, जिसे हम लेवेंडर कलर का ट्यूब होता है, जिसको हम होल ब्लड के लिए करते हैं, जैसे कि आपको CBC, ESR, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, इसके लिए हम EDTA ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करते हैं। और सबसे लास्ट में जो हम ब्लड कलेक्शन करते हैं वो है सोडियम फ्लोराइड, जो ग्रे कलर का होता है, जिसको हम ब्लड शुगर फास्टिंग और BP के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आपको इतने सारे ट्यूब नहीं है, टेस्ट नहीं है, 4-5 टेस्ट ही, जैसे कि आपका जो है एक कल्चर है और एक LFT है और दूसरा आपका क्या है कि CBC है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कल्चर ट्यूब करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आप SST करेंगे, उसके बाद आप EDTA करेंगे। तो ये जो बीच में जो है 2-3 जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास टेस्ट है उस टेस्ट से रिलेटेड जितने भी ट्यूब है उसका आप सीरीज बना करके फिर आप ब्लड कलेक्शन करेंगे, तभी रिजल्ट सही आएगा। और सबसे लास्ट में जो हम सोडियम फ्लोराइड करते हैं, ये हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है।